हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जेल को निखार सकते हैं और बिल्कुल पुरकशिश और साफ रंगत अपनी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने इस चीज की रिक्वेस्ट की थी कि उनको मैं कोई ऐसी टिप बताऊं जिसके कोई ना साइड इफेक्ट हो और जो बस कुछ ही दिनों में अपना काम कर दे। सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत ही इजी सी सिंपल सी टिप लेकर आई हूँ, जिसको इस्तेमाल करने के एक हफ्ते के बाद ही आपको बहुत ही अच्छे सारे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही वाजिया फर्क आपको महसूस होगा अपने चेहरे की रंगत में। रंग सफेद करने के लिए आपके लिए जो सबसे पहला नुस्खा लेकर आई हूँ वो है खीरे का मास्क। बहुत ही इजी तरीका है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने क्या लेना है, खीरा लेना है और उसका रस निकाल लेना है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि उसका रस निकालना बहुत इजी है, आपने खीरे को कद्दूकस कर लेना है और किसी भी मलमल के कपड़े में आपने उसको डाल के उसको अच्छी तरह से स्क्वीज करना है, तो जो उसका एक्स्ट्रा जो पानी एक्सेस होगा वो आपने ले लेना है, तो यानी कि वो खीरे का जूस होगा। फिर उसमें आपने क्या करना है कि आधा चाय का चम्मच अर्क गुलाब और आधा चाय का चम्मच आपने ग्लिसरीन मिलाना है। ठीक है, ग्लिसरीन मिला दिया और अर्क गुलाब आधा आधा चम्मच आपने मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अपने चेहरे पर आपने इसको अच्छी तरह से लगाना है और मसाज करना है। रोजाना रात को आपने सोते वक्त इसको अपने चेहरे पर लगाना है और हल्के हाथ से इसको मसाज भी करना है। 15 से 20 मिनट आप इसको लगा रहने दें, उसके बाद आप अपना चेहरा धो लें। इसमें ऑप्शन भी है, अगर आप चाहते हैं तो ओवरनाइट इस मास्क को लगा रहने दे सकते हैं, उसका कोई बुरा असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कोई इरिटेशन वगैरह महसूस होती है, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप 15 से 20 मिनट या 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा इसको अपने चेहरे पर लगा रहने दें, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको एक ही हफ्ते में अपने रंगत में बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। आपको अपने जो चेहरा है वो हल्का हल्का सा ब्लीच होना शुरू हो जाएगा और आपको वो बाजिया फर्क नजर आएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जल्द की शादाबी के लिए आपको गाजर का मास्क बताऊंगी, जो कि आपकी अगेन रंगत को साफ करने में, आपकी स्किन लाइट की टोन को लाइट करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। सो इसमें भी आपने यही करना है, सेम चीज जो आपने खीरे के साथ की थी। खीरे को आपने कद्दूकस किया था, उसका जूस निकाल लिया था, तो इसमें आपने क्या करना है कि गाजर को कद्दूकस कर लेना है और इसका आपने जो जूस है उसको निचोड़ लेना है, उसको स्क्वीज कर लेना है किसी मलमल के कपड़े में उस कद्दूकस किए गाजर को। फिर आपने क्या करना है कि इसमें 2 चम्मच आपने बलाई यूज करनी है। दूध के ऊपर जो हमारी ठीक सी लेयर आ जाती है बलाई, वो अक्सर औकात हम लोग एक खाना पसंद नहीं करते या फिर उसको वेस्ट कर देते हैं। आप उसको अपने मास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को बलाई पसंद होती है क्योंकि वो फैटिंग है और कुछ लोग लाइक नहीं करते हैं, तो जो लोग खाने में लाइक नहीं करते हैं, वो इसको अपने चेहरे पर लगाकर इससे फायदा उठा सकते हैं। 2 चाय के चम्मच आपने उसमें बलाई डालकर मिक्स करनी है। अगर आपके पास बलाई मौजूद नहीं है या आपको बलाई लगाना पसंद नहीं है, यानी कि आपको वो अच्छा नहीं लगता है, उसकी स्मेल आती है या जो भी जैसे कि दूध की स्मेल होती है, तो आप उसकी जगह जैतून का तेल डाल सकते हैं या फिर आप शहद डालकर उसको थोड़ा गाढ़ा सा अपना पेस्ट बना सकते हैं। मतलब अगर आप बलाई नहीं यूज करना चाहते तो उसकी जगह आप जैतून का तेल या फिर शहद डाल सकते हैं, सेम क्वांटिटी में जो आपने बलाई की डालनी थी। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा और इस पेस्ट को आपने अपने चेहरे पर अप्लाई करना है अच्छी तरह से अपने नेक पे, अपने फेस पे, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने लगा रहने देना है। 10 से 15 मिनट के बाद जब वो आपके चेहरे पर थोड़ा सा ठीक फील होने लग जाएगा, आपको थोड़ा मतलब वो ड्राई होने की तरफ आ जाएगा, तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो आपने उसको अपने चेहरे पर हल्के हाथ से उसको रगड़ना है और हल्के हाथ से रगड़ते रगड़ते आपने उसको मसाज करना है और इसको फिर आपने उतार देना है। इसके साथ साथ आप अपने हाथ गीले करते रहें और उसको मसाज कर करके इस तरह से उसको उतारते रहें। जब वो आपका सब उतर जाए तो आपने एंड पे क्या करना है कि हल्का सा नीम गर्म पानी लेना है, उससे आपने अपने चेहरे को धो लेना है। इससे आपकी रंगत निखर जाएगी, आपका चेहरा शादाब हो जाएगा, पुरकशिश हो जाएगा और आपकी स्किन टोन लाइट हो जाएगी। नॉर्मल जिद पे जो आपकी जो नॉर्मल स्किन है, आप उस पे सिर्फ गाजर के जूस का भी मसाज कर सकते हैं, यानी कि आपको उसमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप गाजर के जूस का ही मसाज कर सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो। और अगर ड्राई स्किन है तो आप उसमें बलाई या शहद डाल सकते हैं। इन चीजों के इस्तेमाल से एक हफ्ते के इस्तेमाल में ही आपको इंशाल्लाह अपनी रंगत में बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। आपको नजर आएगा कि आपके जो चेहरे की जो स्किन टोन है वो लाइट हो जाएगी और आपकी स्किन पे एक ग्लो आ जाएगा, एक शाइन आ जाएगी और आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी।
जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो डेली की रूटीन में मेरी वीडियोस पे कमेंट करते रहते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी फीडबैक जरूर दिया करें। और मेरे जिन फ्रेंड्स ने आज ही चैनल ज्वाइन किया है या जो आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप भी मेरे चैनल से अपलोड होने वाली न्यू वीडियोस को देख के उनसे फायदा उठा सकें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत ही आसान है और इजी है। आपने क्या करना है कि नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहां पर एक बेल शो होगी, आपने उस बेल को फिर से क्लिक करना है सो दैट आपकी नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच